हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप 25x25 को किस तरह से करेंगे। तो इसके साथ आप बहुत इजी है, 25x25 इसे आपको लॉन्ग प्रोसेस में करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे जस्ट वैल्यू फुट अप करना है। बस आपको याद रखना है कि ये सिस्टमेटिक फॉर्मूला कैसे करते हैं। ये 5 5 है, डायरेक्ट इंटू कर लीजिए, यानी कि 25। आप बल्कि इसमें रिमाइंडर ना रखिए। उसके बाद 5 5 मैंने 25 किया है। अब यहाँ नहीं जा के सीधे यहाँ से आप कर सकते हैं। तो इसमें अब हम इसमें आप एज्यूम कर लीजिए इससे एक बड़ा नंबर जो भी हो, यानी कि 3 3 3 2 6, तो ये आपका एक्यूरेट आंसर होना चाहिए। सबसे पहले आपको समझना होगा ये सिमिलर होना पड़ेगा, ये सिमिलर होना पड़ेगा। चलिए और एक तो देखते हैं। ये सबसे आसान तरीका है, मैच में आपको एग्जाम में काफ़ी आपके लिए बहुत मदद काम आ सकता है। तो फिर से मैं छोटा नंबर लेता हूँ, 15 15। ये पूरा बराबर होना चाहिए ताकि आपका सिंपल, आपको ये अगर ये अलग अलग हो गया तो मुमकिन नहीं है, ये भी अलग अलग नहीं होना चाहिए। चलिए 5 5 डायरेक्ट 25 वैल्यू फुट कर दीजिए, 1 2 1 into 2 2। आप इसे अपने आप से कोशिश कर लीजिए। तो फिर मैं ये 35 35 35 35 35 की वैल्यू लेता हूँ, सॉरी ये गलती हो गई, ये 35। जैसे भी 35 35 45 45 55 55 65 65 होना ज़रूरी है। तो ये बहुत आसान है, 5 5 25। आप रिमाइंडर ना रखिए, डायरेक्ट आप दिमाग में एज्यूम कर लीजिए। यहाँ आप चार नंबर एज्यूम करना है, इससे एक ये वाला आगे वाला जो बिगर नंबर होगा वो आप पूर को आप एज्यूम कर सकते हैं। अगर इसे छोटा लेगा तो आपका नंबर गलत हो जाएंगे। तो 3 3 3 4 कितने होते हैं, 3 4 12, तो ये आपका एक्यूरेट आंसर होगा। तो फिर ये 5 5 और एक लेंगे, 5 5, चलिए 25। तो ये भी इसमें हम 6 एज्यूम करेंगे, यहाँ 30। ये सबसे आसान तरीका है वीडियो में। आपको मेरा मोटो है कि आपको शॉर्ट में आपको अपना समय बचा कर एग्जाम में आपके लिए बहुत आसान तरीका है। तो हमारा चैनल का मोटो है कि हम नया कुछ सीखे, और अगर आपको कुछ कंफ्यूज है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगले वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे अनोखी चीज़ के साथ मिलेंगे। तब तक आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।